अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू ट्यूब में। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक पानी गर्म करने वाला रॉड का रिव्यू। ये केटविन ब्रांड का है, केटविन होम अप्लायंसेस आप देख सकते हैं। और ये इस तरह का दिखता है और ये 1 किलो वाट का है, इमर्शन वाटर हीटर 1 किलो वाट। और इसका गारंटी तो नहीं है, इसका वारंटी दिया है 1 साल का। देखिए, वारंटी और गारंटी में डिफरेंस ये होता है कि गारंटी जो है, अगर आपको गारंटी दे तो वो अगर ख़राब होता है मशीन तो आपको वो इन रिटर्न नया देंगे। और वारंटी में क्या होता है, अगर ये ख़राब होता है तो ये वो लोग ठीक करके देंगे। यही डिफरेंस होता है वारंटी और गारंटी में। और इसका प्राइस आप देख सकते हैं, यहाँ पे 635 है, पर ये 350 रुपये में हमने ख़रीदा है। सो आप देख सकते हैं जितना होता है उतना ही आप बेवकूफ़ की तरह पे मत कर दीजिएगा दोस्त। आप बार्गेनिंग कीजिए और जितना कम में हो सके आप लेने की कोशिश कीजिए। और ये ISI मार्क भी है जो सेफ्टी और सिक्योरिटी मेंटेन करता है। यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, कुछ 8 तरह की चीज़ें। वेल, मैं इससे पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ तो मैं आपको डायरेक्ट जो है मेरी पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझाऊंगी। देखिए, ये इस तरह का पैकेज है तो हम अभी इसे ओपन करने जा रहे हैं। तो ये देखिए कितना शाइन कर रहा है। पर धीरे धीरे क्या होता है, आप गर्म करते जाएंगे तो इसका कलर जो है वो फेड होता जाएगा। ये स्टील, स्टील का भी आपको लग रहा है, बाद में एल्युमिनियम का जो कलर होता है थोड़ा डल सिल्वर कलर, वैसा कलर में ये टर्न हो जाता है। और वायर अच्छा खासा लंबा होता है, मैं आपको लगा के दिखा दूँ कि आप कैसे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए, आपको यहाँ पे इस प्लग को इनपुट करना है। फिर पहले आप इसको स्विच ना दें, पहले यहाँ पे आप पानी में इसको रखें। जैसे देखिए, बाल्टी आपका प्लास्टिक का अगर होगा तो मेल्ट हो जाएगा। ये हमारा कांसा का है, जिसे हम ब्रोंज भी कहते हैं, या उसका बाल्टी है तो ऐसा, या फिर किसी और मेटल का, स्टील का हो, सिल्वर का हो, बाल्टी चलेगा, बट प्लास्टिक का यूज़ ना करें। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो है इसको आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। इस तरह से आपने इसे सेट कर दिया। और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वाटर लेवल, मिनिमम वाटर लेवल, ये मिनिमम से कम है तो अभी हमको यहाँ तक पानी और डालना है। तो अभी मैं डाल नहीं रही, मैं बस आपको दिखाने के लिए ये समझा रही थी। तो ये मिनिमम वाटर लेवल है और मैक्सिमम यहाँ तक आप इसे, यानी पूरा बाल्टी से डाल सकते हैं। देखिए, ये तो छोटा बाल्टी, अगर आप डेप्थ वाला ज़्यादा लेंगे तो ये इतना तक शायद होगा, तो फिर भी ये काम चल जाता है। और यहाँ पर देखिए, मेड इन इंडिया है फ्रेंड, यानी ये चाइनीज़ नहीं है। सो इस बात की हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपका लगभग अच्छे से आप इस्तेमाल करेंगे, यानी टाइम में पानी गर्म करके फिर बंद कर देंगे। देखिए, आप ज़्यादातर तक ना छोड़ दें, जब पानी खोलता है ना तो इस पर असर पड़ता है, और आपके पूरे होम अप्लायंस, घर के जितने भी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स है उसमें भी असर पड़ता है। तो तुरंत बंद कर दें और सही से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका 3 साल बिना रुके चला जाएगा, बिना ख़राब हुए। और आपको दुकान भी इसके लिए ठीक करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, यही इसका रिव्यू था। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।